हेलो एंड वेलकम गाइज टू आवर चैनल आईटी ब्रेन्स। तो गाइज फर्स्ट सेमेस्टर जो कि कल आपका एग्जाम जो है 8 अक्टूबर को बैक पेपर एग्जामिनेशन जो कि ओएमआर बेस्ड एग्जाम हो रहा है, एनसीबीटी का एआईटीटी एग्जाम जो हो रहा है, लाइक 2017 सेशन के बच्चे, 2016 सेशन के बच्चे, 2015 सेशन के बच्चे जिनका की बैक पेपर रह गया था, तो उन सभी बच्चों का जो है एग्जामिनेशन चल रहा है। जैसा कि आपको पता भी होगा, आप मेरे आंसर्स की जो है डेली बाय डेली मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो गाइज खैर यहाँ पे देख लीजिए कि कल जो आपका एग्जाम है तो कल आपको क्या रणनीति बनानी है जो कि आप एग्जाम में अच्छे से पास कर जाइए। इसलिए मेरा जो टाइटल है देख लीजिए, कल के एग्जाम के लिए कहाँ से पढ़ाई करें और कैसे पास करें ट्रेड थ्योरी, WCS और ES। ठीक है, तो गाइज आज इस पे हम लोग जो है बात करेंगे। आप लोग कुछ कमेंट्स दी है, आप लोग कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे बेझिझक जो अभी स्ट्रीमिंग जो हो रहा है वहां पे आप पूछ सकते हैं चीजों को। मैं आप लोग का जितना भी सवाल है सारा कुछ बताऊंगा कि क्या कुछ डाउट से दिए आप लोग के हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं कि कहां से पढ़ाई करें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ प्रूफ देना चाहता हूं कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है। जाहिर सी बात है कि पहले समझ लेंगे कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है तो वहीं से पढ़ाई करेंगे। देखिए गाइस, जैसे कि आप लोग को जैसे जानकारी होगी इस बात की कि मैं अपने चैनल पे जो हूँ ये सारे आंसर की आप लोग को दिया हूँ। ठीक है, जैसे देख लीजिए पूरा जो है लाइक ये आप लोग का जो है फोर्थ सेमेस्टर का आज जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, आज एग्जाम जो हुआ है इलेक्ट्रिशियन WCS का, उसका भी आंसर की प्रोवाइड किए हैं। फीटर का भी आज जो एग्जाम हुआ है उसका प्रोवाइड किए हैं आंसर की। फीटर थ्योरी जो है उसका भी आंसर की जो है 8-7 अक्टूबर आज के डेट का जो है पूरा आंसर की प्रोवाइड किए हैं। फिर जो है इलेक्ट्रिशियन, तो सारा ये आंसर की आप लोग देख रहे हैं प्रोवाइड किए। तो ये आंसर की जो है ये आप लोग जो है आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भी रेफर कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि आप लोग के कल जो एग्जाम होंगे वो वाला भी मैं सारा कुछ आंसर के आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। खैर गाइज देखिए, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे, मैं एक आपको लाइक जैसे थर्ड सेमेस्टर का ले लेता हूँ। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रीशियन इसका मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला अभी इसका मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछे गए हैं और क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे उन सभी को मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का मैं क्वेश्चन खोल लिया हूँ, ये आप लोग का देख लीजिए। थर्ड सेमेस्टर है ना, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रीशियन का ये क्वेश्चन पूछा गया था कल के डेट में, 6 तारीख को पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टार्टर ऑफ एन एसी मोटर। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ पे मिल रहा है, और 127 नंबर। तो ये भाई क्या है, ये कौन सा पीडीएफ से मैं बता रहा हूँ, ये आपका जो है नीमी क्वेश्चन बैंक जो है आप लोग का, इससे मैं आप लोग को जो है यहाँ पे आंसर्स को दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे मिल गया आप लोग को यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए 2-4 एक और देख लेते हैं, हो सकता है कि आप लोग को इसमें विश्वास नहीं हो रहा हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे चलते हैं। तो 5 देखिए क्वेश्चन क्या था, देख लीजिए यहाँ पे ये पूछा गया था ना, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द, ये है NS-NR, ये ऑप्शन इस टाइप का दिख रहा है आप लोग को। चलिए यहाँ पे हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पे 133 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, सेम यही क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को, है ना। 133 नंबर पर सेम टू सेम यही ऑप्शन थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि 8 की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये फिगर देख लीजिए, आइए यहाँ हम लोग ढूंढते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 140 में आप लोग को देखने को मिलेगा, वही फिगर था आप देख लिए होंगे। ठीक है, ये 140 नंबर है, देखिए ये ड्यूल स्टार्टर जो था इसका आंसर था। ठीक है, ये वाला फिगर दिया गया था। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा, कुछ आप लोग को टिप्स के साथ साथ आप लोग कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट सब बताऊंगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए जरूर हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है गाइस 145 में आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए। तो 145 देखिए यहाँ पे, ठीक है, 145 क्या है, पिच फैक्टर वाला क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पे भी आप लोग को मिल जाएगा पिच फैक्टर वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 उसी तरह से 148 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए 148 में आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ना कि व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर। आइए यहाँ भी देख लीजिए, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी 3 फेज सिंगल इंडक्शन मोटर। तो देख सकते हैं गाइस कि ये जो है आप लोग का जो एग्जामिनेशन जो बैक पेपर का चल रहा है, ना सिर्फ बैक पेपर, आपके जो सीबीटी एग्जाम्स जो चल रहे हैं ना, सीबीटी एग्जाम्स लाइक जो आपके जूनियर्स के जो चल रहे हैं, ठीक है, लाइक 2018 सेशन या 2019 सेशन के, तो उनका भी क्वेश्चंस जो है इसी क्वेश्चन बैंक से आ रहा है। रही बात कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को कहां से मिलेंगे, तो ये तो गाइस देख लीजिए, ये तो थर्ड सेमेस्टर का था, है ना, थर्ड सेमेस्टर का था।
आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर का। ओके तो फर्स्ट सेमेस्टर का देखिए ये रहा, ठीक ना, फर्स्ट सेमेस्टर का ये है आपका, ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रीशियन का। ये पूरा पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, देखिए आप लोग को दिखा देते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसे डाल दिया है, ठीक है। आइए यहां इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे गाइस, ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसको जो है डाल दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट सेमेस्टर का, तो ये देख लीजिए आप लोग, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फिर सिर्फ आपको यही खोलना है, जिनका कल एग्जाम है ये पीडीएफ खोलेगा इलेक्ट्रीशियन वाले, फीटर जिनका है वो आप ये पीडीएफ खोल के पढ़ लीजिएगा, सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ईएस जिनका है, ईएस वाले कैंडिडेट्स, आई मीन जिनका ईएस में इंप्लॉयी स्किल में जिनका बैक है, वो ये वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो है डब्ल्यूसीएस का भी इसमें दिया गया है, ठीक है, डब्ल्यूसीएस का भी है इसमें, अभी पहले का भी खोलिएगा ना इसमें, तो आप लोग को मिल जाएगा, बैक जा करके भी ढूंढ सकते हैं, ऐसे यहाँ पे मैं डाल दूंगा थोड़ा देर में भी, ठीक है, जैसे ये आप लोग वीडियो जैसे सेशन खत्म हो जाएगा। खैर गाइस आप लोग समझ गए, आप लोग को चैनल से जुड़ना है इसमें और फिर पीडीएफ लेके आपको पढ़ लेना है। चलिए आपको तो ये बात दो तीन चीज आप लोग का क्लियर हो गया है ना। चलिए अब हम लोग जो है अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो लाइक चलिए हम लोग क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करते हैं, लाइक डब्ल्यूसीएस जिनका है उन बच्चों का थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग से आएगा। लाइक यदि बात करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, तो फंडामेंटल यूनिट्स से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली जो है क्या होता है कि तीन होते हैं, लेंथ, मास और टाइम, ओके। उसके बाद फिर एमकेएस में एम का क्या है मतलब, तो एम क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। एमकेएस देखिए सब कुछ समझ जाइए, एमकेएस होता है, एक एफपीएस होता है, तो एम क्या हो गया यहाँ पे, मास हो गया, के क्या हो गया, केजी हो गया, किलोग्राम हो गया, एस क्या हो गया, सेकेंड हो गया, एफ क्या हो गया, फुट हो गया, पी हो गया पाउंड, एस हो गया सेकेंड, ठीक है। सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस, तो सीजीएस क्या होता है, सेंटीग्रेड, सेंटी आपका एक सेकेंड, फुट हो गया ना, तो ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, सी हो जाएगा लेंथ के लिए, सी हो जाता है सेंटीमीटर, जी हो जाएगा ग्राम, और एस हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था सीबीटी एग्जाम में, तो आप लोग का इसमें एग्जाम में भी आ सकता है कि कितना मिलीमीटर में जो है एक इंच होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 225.4 mm, ठीक है। इस तरह से एचसीएफ दिया जा सकता है, एलसीएम दिया जा सकता है सॉल्व करने के लिए, सिंपल इज क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का एक एडिशन आप लोग को 100% देखने को मिलेगा जोड़ने के लिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा इसका और फिर इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा। डिवीजन इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको आप लोगों को टेंशन मत नहीं लीजिएगा, आप लोग एनालिसिस नहीं तो देखिएगा कल, आज और कल जो एनालिसिस किए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन डब्ल्यूसीएस का पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करना है, क्या कहिएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 15 आ गया, यहाँ पे कितना, 3 और इधर 2, 3 और 1 4 के बाद डेसिमल, तो 1, 2, 3, 4 के बाद डेसिमल यहाँ लगा दिए, ठीक है। देखिए सरल करना है, कुछ है ही नहीं इन सब क्वेश्चन में। आइए आगे थोड़ा देख लेते हैं, वर्गमूल निकालना है तो रूट इनका आप निकाल ही पाइएगा, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, 52 है, ठीक है, तो 52 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज घटाएगा, डिवाइड बाय 100 कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे देखिए रेशियो का कुछ क्वेश्चन आ सकता है, क्या कीजिएगा, हमेशा सेम यूनिट में कर लीजिएगा, जैसे 4 kg 800 ग्राम है, तो या तो 4 kg को 800 ग्राम में करके जोड़ दीजिए इन दोनों को, और नहीं तो 4 kg इसको रहने दीजिए, तो 800 ग्राम को फिर आपको केजी में कन्वर्ट करके इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। अच्छा 2 लगाया है ना, ठीक ठीक ठीक, जोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है क्या करना होगा, भाग करना होगा, तो 4 kg तो ऊपर हो गया, और नीचे जो है तो इसको हम लोग एक काम करते हैं ना, कि इसको ग्राम में कर देते, 4 kg बराबर कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम, और नीचे कितना होगा, 800 ग्राम, तो 800 यहाँ डबल जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ का कितना हो गया, 8×5=40, तो कितना आंसर आ गया, 5:1, 5:1 या 5/1, तो हो जाएगा 5:1। अब व्हाट परसेंटेज, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चन है, आज वाला भी जो पेपर था उसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया गया था इसी तरह का, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, हालांकि
यहाँ पे भी देखिए कुछ नहीं है, ये तो हालांकि जो है कुछ करना ही नहीं इसमें। देखिए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 62 इक्वल टू 102 है, तो 62 किधर ले जाइए माइनस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो रूट में चले जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। चलिए कोई नहीं, ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग को भुजा ए बी निकाल लेना है, ये वाला मान निकालना है क्या होगा, तो क्या होगा ये वाला 10 का स्क्वायर, ठीक है 10 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 8 है, जितना भी दिया होगा डाटा दिल्ली यहाँ पे क्लियर नहीं मुझे दिख रहा, ठीक है 8 है या कितना है 8 यदि होगा तो 8 का स्क्वायर ठीक है का रूट निकाल दीजिए, सॉल्व कीजिएगा ये वाला मान ए बी का आ जाएगा। ठीक है ए बी पूछा गया है ना, फाइंड द साइड ए बी, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे ए बी का पूछा गया, तो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर का रूट निकाल देना है, सिंपल है। तो खैर गाइज ये सब जो है बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, यहाँ कुछ एक क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए, एग्जाम में आप लोग को थोड़ा बहुत सहूलियत हो जाएगा, हालांकि ये आप पूरा पढ़ के ही जाइएगा, मैं तो यही कहूंगा। नन मेटल कौन सा है भाई, तो ग्रेफाइट है, ठीक है। फेरस यदि बात करेंगे कि ऐसे धातु जिसमें कि प्रमुख सामग्री लोहा होता तो क्या हो जाएगा, फेरस लोह धातु, ठीक है, जिसमें कि लोहा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, नन फेरस। गाइज एक बात आप लोग बता दे रहे हैं, यदि आप लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, हालांकि समय तो नहीं है, फिर भी यदि डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, और ये जो है आप लोग का फर्स्ट ईयर का पूरा जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का नीमी क्वेश्चन जो पीडीएफ जिससे आएगा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड ये सारा वीडियोज है, इसको भी चाहिए तो वॉच कर लीजिएगा, आप लोग को जो है बेनिफिट मिल जाएगा। इधर फिटर का देख लीजिए, आई मीन इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को सारा यहाँ पे कराए हुए हैं, जैसे कि यहाँ देख लीजिए है ना, आप ये तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हो गया, चलिए इधर आइए, ठीक है। एसी सर्किट्स हो गया, सेल एंड बैटरीज हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का भी क्वेश्चन इसमें, फंडामेंटल पे इलेक्ट्रिसिटी का देखिए है, यहाँ पे मैग्नेटिज्म का है सारा इसमें, व्यावसायिक सुरक्षा एंग स्वास्थ्य सारा क्वेश्चन सारा यहाँ पे वीडियोज पड़ा हुआ है, मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, आप लोग को जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट में सारा दे दिए हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे अभी देख लीजिए, खैर आइए गाइस वहां पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज में जो है ब्रिटल मेटल, मेटल कौन सा है तो क्या होता है, कास्ट आयरन होता है। इस तरह से कुछ एक क्वेश्चंस है, वैनेडियम जो है इलेक्ट्रिक लैंप जो होता है फिलामेंट में क्या यूज करते हैं हम लोग, तो टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही सब क्वेश्चन रहेगा और कुछ रहने वाला है नहीं, ठीक है। अब ब्रास एलॉय, ठीक है, आज जो है आप लोग को ब्रॉन्ज का पूछा गया, तो ब्रॉन्ज का होता है कॉपर और टीन, तो हालांकि फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीजें हैं, तो ब्रास का याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कॉपर कॉपर एंड जिंक, ठीक है, तांबा और जस्ता। अब किसको वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हाइट कास्ट आयरन को हम लोग वेल्ड नहीं कर सकते हैं। और फर्नेस यदि पूछ देगा कि फर्नेस जिससे कि कास्ट आयरन जो है उपलब्ध होता है तो क्या हो जाएगा, क्यूपोला हो जाता है, ठीक है। और यदि पूछ देगा कि पीग आयरन किससे प्राप्त करते हैं आयरन ओर से, तो हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस। चलिए उसके बाद धातु गुण जिसके बिना टूटे तार में बदल दिया जाता है, ये क्वेश्चन आज का भी आया हुआ है, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में, तो याद रखिएगा तन्यता कहा जाता है उसको, ठीक है, बिना टूटे तार में तब्दील कर दिया तो डक्टिलिटी उसको हम लोग कहते हैं। अब इंसुलेटर इन सब में से पूछा गया है, तो इंसुलेटर तो आप लोग को पता है माइका होता है, माइका जो आपको आयरन स्कोर में भी यूज किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हालांकि देख लिए, इतना इतना में से तो आप लोग को जो है 25 क्वेश्चन में 100% 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और आके जरूर मुझे अपना कमेंट शेयर कीजिएगा, हालांकि मैं जो एग्जाम्स होंगे सबका आंसर की आप लोग को दे दूंगा, कितना मार्क्स आया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा। चलिए आइए यहाँ पे और क्या देखें, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, मॉड्यूल 4 का देखिए, यहाँ पे पूछा गया था कि मैटर कंटेंट, ठीक है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, डेंस, इसको क्या जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, द्रव्यमान। और डेंसिटी पूछे तो क्या होता है, डेंसिटी को, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल अगर मेरे समझ से नहीं देगा, आप लोग का बैक पेपर का एग्जाम है ना, तो उतना हार्ड तो करेगा नहीं वो, हालांकि हार्ड नहीं है, सिंपल ये क्वेश्चन है, पर फिर भी देखिए स्पीड, फॉर्मूला ऑफ स्पीड, तो डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, तय की गई दूरी बटा समय, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, यूज स्पीड का जो है यूनिट पूछा है, पक्का आएगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, इस तरह के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, स्पीड का फॉर्मूला, फिर जो है स्पीड का यूनिट तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, सिंपल है,
फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो क्या कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट निश्चित दिशा में समय डिवाइड बाय दूरी, इसमें ए नहीं लगाना है, ठीक है, क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाइएगा आंसर। इसका यूनिट बोलेगा तो सेम यूनिट है स्पीड का, गति का जो यूनिट है वही वेग का भी यूनिट होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। चलिए स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी से पूछ सकता है, अदिश राशि सदिश राशि, तो यदि स्पीड बोलेगा तो हो जाता है अदिश राशि, और यदि वेलोसिटी पूछेगा वेग पूछेगा तो हो जाता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन एक दे सकता है, हाउ मेनी अर्ग्स फॉर अर्ग फॉर वन जूल, एक जूल में कितने अर्ग्स अर्ग होते हैं, तो कितना 10^7 अर्ग होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, ठीक है, आज भी क्वेश्चन आया था, फिर जो मैं थर्ड सेमेस्टर का एनालिसिस किया तो उसमें ये क्वेश्चन आ गया था। देखिए एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है भाई, पावर कहलाता है, ठीक। अब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन आज भी दिया गया है और फर्स्ट सेमेस्टर इसमें भी आप लोग को मिल जाएगा। वन हॉर्स पावर ब्रिटिश यूनिट में कितना होता है, 746, और यदि आपसे पूछ दे कि भैया बताइए मैट्रिक प्रणाली में, तो कितना बोलेगा, 735.5 बोलिएगा, ठीक है। हालांकि 735.5 नहीं मिले तो 736 मिले तो यही मार देना है, लेकिन इसका आंसर जो है ब्रिटिश प्रणाली में 746 होगा। चलिए और काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है। अच्छा, फीटर के बच्चे हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चे हैं, चाहे कोई भी ट्रेड के बच्चे हैं, ठीक है, आप ये जो है वीडियो देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस एनालिसिस करा रहे हैं, क्योंकि सभी का क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है। चलिए अब यहाँ पे कुछ है नहीं, अब इधर जो है मॉड्यूल 6 का ये आ गया पार्ट, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या हो जाता है, जूल होता है, ठीक ना, ऐसा यूनिट ऑफ हीट जूल। अब जिसे हीट को मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, कैलोरी मीटर से हम लोग मेजर करते हैं। फॉर्मूला एक याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आज का क्वेश्चन में आया भी था, तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, कन्वर्शन, तो C/5 = F-32/9, इस पे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, लाइक सी का मान दिया हुआ है, एफ का वैल्यू पूछे, तो इस तरह से। तो गाइज ये कुछ एक क्वेश्चन मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन में भी कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, जैसे मेनली आपको बता देते हैं जो फिगर वाला सब क्वेश्चन है ना, जैसे फिगर वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो जरूर आप लोग देख के जाइएगा, फिगर वाला सब क्वेश्चन 100% इसमें मुझे यकीन है, मानिए आप मेरी बात को, तो 50 क्वेश्चन में आप लोग 20 क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे, लाइक ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन चलिए आ ही जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भर भर के दे रहा है, ये क्वेश्चन जो है 3-4 बार से ये क्वेश्चन मिल रहा है, गेज का जो है नाम पूछा जा रहा है, तो कहीं यूज पूछा जा रहा है, ठीक है। खैर ये देखिए फाइल में ये क्वेश्चन आ सकता है, फिगर में बस आप लोग फिगर देख के जाएगा ना, इतने में पास कर जाएगा, मैं आप लोग को कह भी रहा हूँ ये चीज, जितना फिगर है फर्स्ट सेमेस्टर में सब देख के चले जाइए, आराम से पास करिएगा, ठीक है। चलिए गाइस उसके बाद चलिए फीटर में पहुंचते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत फीटर का देख लेते हैं। फीटर में देखिए फर्स्ट चैप्टर तो कॉमन ही रहता है, सेफ्टी साइन का, ये सब फिगर देख लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। फीटर वाले तो और ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये सारे क्वेश्चन है, 47 नंबर जैसे हो गया, 46 नंबर हो गया, 51 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद इसी तरह से ये क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप जो है पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का जो है ये PDF है, ठीक ना, तो ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का लगभग क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिए ये सब क्वेश्चन तो 100% आएगा आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आप लोग कुछ डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं, और कल जो है आप लोग को आंसर की जो है एग्जाम आप लोग का 12:30 बजे खत्म होगा, 12:30 के बाद 1:30 बजे तक, उम्मीद है कि मैं इन चीजों को सॉल्व करके आप लोग को आंसर की दे दूंगा। खैर गाइज देख लीजिए यहाँ पे और कुछ एक क्वेश्चंस, लाइक ये फिगर्स वाले क्वेश्चंस आप लोग देख के जाना है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें पूरा क्वेश्चन जो मैं बात करूँ कितना है, देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मोर और लेस जो है कि ज्यादा नहीं है, 261 क्वेश्चन है, 261 क्वेश्चन है, और समय आपके पास 12-13 घंटा है, तो कर सकते हैं तो कर लीजिए, और क्या, आने तो फिगर वाला देख के ही जाइएगा, लेकिन ध्यान रखना होगा ऑप्शंस क्या क्या पूछे गए हैं। इधर बात करेंगे गाइस ईएस का, तो ईएस में भी जो है पूरा ये सीपीओ टीपीओ से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने के लिए, फिर आप लोग को जो है ये पूछ दिया जाएगा
लाइक इंग्लिश में भी कुछ कुछ इसका जो है कम्युनिकेटिव स्किल्स में कम्युनिकेशन वगैरह सबसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर रैम रोम ये सब का जो है फुल फॉर्म ये सब पूछा जा सकता है। ये पूरा देखिए यहाँ भी इसका जो है पीडीएफ पड़ा हुआ है, ये भी मैं डाल दिया हूँ ग्रुप में, तो ये भी आप लोग जरूर से देख कीजिएगा। इसमें देखिए 2 सेमेस्टर है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का ही आप लोग को देखना है ना। जैसे कि ये देखिए सेमेस्टर 2 आ गया, तो ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। सेमेस्टर 2 का आपका तो एग्जाम है नहीं, आपका क्या है सेमेस्टर 1 का। देखिए यहाँ ये सेमेस्टर 1 आपको ये वाला पढ़ के जाना होगा यहाँ पे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इतना कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो गाइज और मेरे समझ से कुछ रह नहीं गया, कल के एग्जाम के लिए सभी को शुभकामनाएं, और आई होप कि सभी आप लोग का एग्जामिनेशन जो है बहुत अच्छा जाएगा। और ये थोड़ा थोड़ा करके आप लोग देख लीजिए, जिनका ईएस में बैक है, चाहे जिनका WCS में बैक है, चाहे Trade 3 में बैक है, आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा थोड़ा जो मैं आपको बताया हूँ। और WCS तो सभी के लिए कॉमन ही है ना। तो गाइज मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, चाहे मेरे टेलीग्राम पे, चाहे कमेंट सेक्शन में, कि सर कुछ बताइए कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के लिए एक वीडियो बना दें, तो आई होप कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो गाइज चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको तमाम तरह की ITI से जुड़ी अपडेट्स दी जाती है, चाहे अप्रेंटिस हो, चाहे जॉब्स हो, चाहे आपका ITI का कोई अपडेट आया हुआ हो, चाहे आपके एग्जामिनेशन से जुड़े आंसर्स की हो, चाहे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हो, सभी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो बस देख के मत छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अदर नोटिफिकेशन फिर कैसे आएंगे यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो बहुत सारे यूजर हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, बस देख लेते हैं, तो ये ऐसे में हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता। सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर अपडेट्स भी तो आते रहेंगे आपके पास, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल में हिट कर दीजिएगा। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइस चलिए मिलेंगे कल, और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए, जो मैं प्रिडिक्शन किया वो क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं WCS का। हालांकि WCS का मैं बहुत क्वेश्चन कराया हूँ, और इधर जो है आप लोग का फिटर और इलेक्ट्रिशियन का तो मैं आपको बोल ही दिया कि इमेज वाला देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं कल एनालिसिस वाले वीडियो में, जो कि आप लोग को 1:30 के आसपास, ठीक है, कल इलेक्ट्रिशियन फिटर का जो है 1:30 बजे के आसपास Trade 3 का मैं अपलोड कर दूंगा आंसर की, ठीक है। और जो है इसका जो आपका एग्जाम होगा सेकेंड मतलब शिफ्ट में, तो उसका भी जो है आंसर की आप लोग का 4 बजे एग्जाम खत्म होगा, तो 5 बजे तक 5:15 बजे तक आंसर की उसका मैं डाल दूंगा। अब PDF वगैरह जो है आपको लेना है, तो ये पूरा मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप लोग ले सकते हैं। बहुत सारा PDF लिंक वगैरह ये सब सारा कुछ इस टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, मेंबर्स भी हैं इसमें बहुत सारे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।